2 इंच तक हमें इसको फोल्ड करना होता है। 2 इंच पर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। 2 इंच पर फोल्ड करने के बाद हमें ये पत्तियों को सेट करना है। अब देखिए ये पत्तियाँ हम इस तरह से लेते हैं और इस तरह से इसको जी इस तरह से हम इसको फिर से वन बाय वन हमें सभी पत्तियाँ इसी तरह से फोल्ड करनी है। हमें इस टाइप का इसका शेप देना है गोलाई में। अब हम ये थर्ड पत्ती लेते हैं, इसका शेप भी इसी तरह से देते हैं। अभी फोर्थ पत्ती लेते हैं, 6 पत्तियाँ हमने लगाई थी, सभी पत्तियाँ हमें इसी तरह से लेनी है। ये 5th पत्ती हमारी इसी तरह से हमें लेनी है। अब देखिए लास्ट पत्ती, जैसे कि हमने सभी पत्तियाँ ली हैं उसी तरह से हमें इसको भी इसी तरह से लेना होता है। अभी हमारा देखिए शेप बन गया और इसको फिर से हम 2 इंची पर लपेट देते हैं। हमें इसको टाइट हाथों से ही लपेटना होता है, लूज़ हमें इसको नहीं छोड़ना होता। अगर हम लूज़ छोड़ेंगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, इसलिए हम अगर फिनिशिंग से ये प्लांट्स बनाना है तो हमें इसको टाइटली ही इस पर लपेटना होगा। ये देखिए 2 इंच पर हम इसको बराबर बराबर लपेट रहे हैं, टाइट हाथों से ही हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारा ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स रेडी हो जाएगा। वुलन प्लांट्स आज हम अपने वीडियो में आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने 2 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी और पत्तियाँ लगाते हैं। ये देखिए हम पत्ती लेते हैं, जैसे कि हमने पहले 6 पत्तियों पे 6 पत्तियाँ लगाकर इसको फोल्ड कर दिया था, इसी तरह से हमें फिर से ये पत्तियाँ पत्ती के ऊपर पत्ती लगानी है। देखिए इसी तरह से हमें पत्ती के ऊपर पत्ती लगानी है और आइडिया लगा लेना है कि शेप ठीक है कि नहीं, इस तरह से हमें इसका शेप बनाना है। देखिए अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम दूसरी पत्ती पे भी इसी तरह से इसको ये हम रखते चले जाएंगे। हमारी 6 पत्तियाँ हैं, दोबारा से हमें 6 पत्तियाँ वैसे ही पत्ती के ऊपर पत्ती रखकर इसको फोल्ड कर देना है ये इस तरह से। अपने हैंड के हेल्प से हमें इसको संभाले लेना होता है ताकि 1 टाइम में हम इसको ये कवर कर पाएँ। ये देखिए हम इसको बहुत इजीली रेडी कर रहे हैं आपके सामने, आप हमारी वीडियो देखकर इसको आप इजीली बना सकते हैं। अभी देखिए थर्ड पत्ती हमारी, हम थर्ड पत्ती के ऊपर थर्ड पत्ती लगा रहे हैं, पत्ती के ऊपर पत्ती इसी तरह से हमें रखते चले जाना है और इसको फोल्ड करते चले जाना है। ये देखिए 6 पत्ती पे हमने फिर से पत्ती पे पत्ती लगा दी और हमें फिर से वही स्टेप करना है जैसे कि हमने ऊपर वाली में किया था। इस तरह से फिर इसको फोल्ड कर देना है, यहाँ पे हमें इस तरह से इसको लगा देना है। अब हमारे ये सभी पत्तियाँ इसी तरह से हम नीचे तक लगा लेंगे। 1 बाय 1 हमें यही स्टेप करना है और इसको रेडी करना है। देखिए हम दूसरे टाइप से भी इसको पत्तियों को फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये फोल्ड कर लिए। अब हम ये 2 पत्तियाँ बीच में रहने देते हैं, 2 पत्तियाँ हमने बीच में रहने दी, ये टहनियाँ हमने बना रहे हैं। अभी हम इसको थर्ड टहनी को बनाते हैं। इसका ये रीज़न है कि हमारे ये ईजिली बन जाएगा क्योंकि सब पत्तियाँ एक साथ में हम इस तरह से कवर नहीं कर पा रहे थे, तो 2 पत्तियाँ हमें रहने देनी होती है या 1 पत्ती हम रहने देना होते हैं, फिर थर्ड पत्ती को कवर कर लेते हैं। अब हम देखिए पत्ती कवर कर रहे हैं, ये पत्ती कवर करने के बाद हम ये वाली टहनी रहने देने होते हैं। एक के बाद एक टहनी हम बना लेते हैं।
और फोल्ड करते चले जाते हैं। अब ये एक टहनी हमने नहीं बनानी है, अब ये एक टहनी के बाद हम दूसरी टहनी इसको बना लेते हैं। इस तरह से ये हमारी स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी और हम इजीली इसको बना लेंगे। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम दूसरा सर्किल अप कर रहे हैं, तो जो हमारी पत्तियाँ बची हुई हैं उसको हम इसी तरह से लगा देते हैं। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने सभी पत्तियाँ इसी तरह से लपेट ली है। अभी हमारा ये रेडी हो चुका है, अब हमें इस पर फ्लावर लगाने होते हैं। अब देखिए नीचे की साइड हमें इतनी ये छोड़ देनी होती है और इसको इसी तरह से फोल्ड करना होता है जैसे कि हमने इसको फोल्ड किया था। बस हमें ये पत्तियाँ अब लगानी नहीं होती, इसको विदाउट पत्ती ही हमें फोल्ड करना होता है। बराबर बराबर में हमें लेना होता है, देखिए बिल्कुल बराबर में हमें लेना होता है, जगह को इसका गैप नहीं देना होता। नीचे तक हमें ये ग्रीन कलर इसमें नीचे तक हमें इसको फोल्ड करना है। देखिए हमने उनको लास्ट तक फोल्ड कर लिया है। अब हमारे यहाँ जो ये हल्का सा शेप है ढाल बना हुआ है तो इस पर ये फोल्ड नहीं हो पा रही इजीली, तो हमने इसको फेविकोल लगाया है। हल्का सा फेविकोल लगाकर हमें इसको फोल्ड कर लेना होता है। अब हमारा ये इजीली फोल्ड हो जाएगा, ये इस पर बॉन्ड हो जाएगी और हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। अभी देखिए हमारा पूरा बॉन्ड हो चुका है, हमने ये इसको पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हमें धागा इस तरह से लेना है ताकि ये नीचे को स्लिप ना हो जाए, ये इस तरह से हमें लेना है। अब हमारा ये हमारी ये नीचे की ऊन स्लिप नहीं हो पाएगी। अब हमें इसको यहाँ पे कट कर देना है। ये देखिए सीजर के से हमने इसको कट कर दिया है, थोड़ा हमें लंबा धागा कट करना होता है। देखिए 8 से 10 इंची का हमने धागा ये कट किया है। अब हमें ये इस टहनी पर इसको बांध देना है। ये देखिए इसमें हमें यहाँ घिरा लगानी है, टाइट घिरा हमें इसमें लगानी है। धागे को हमें 3-4 बार फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद ही हमें इसमें घिरा लगानी है। देखिए हमारी घिरा हम इसमें लगा रहे हैं। अब हमें इसको कट कर देना है। ये देखिए सीजर की हेल्प से हमने इसको कट कर दिया है। अब हमारा ये प्लांट रेडी हो चुका है, अब हम इस पर आपको फ्लावर कैसे लगाएंगे वो दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा प्लांट हमारा ये रेडी हो चुका है, इसी तरह से हम इसको बना सकते हैं। बहुत सुंदर ही हमारा देखने में लगेगा इसका लुक, अभी हम फ्लावर वाला देंगे आपको। ये देखिए हम एक एक फ्लावर लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी ये हमने आपके सामने प्लांट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, इस पर हर टहनी पे हमने एक फ्लावर लगाया है। अब हम तो आपके सामने लगाएंगे एक टहनी पे 3 फ्लावर लगाएंगे, आप 2 फ्लावर भी लगा सकते हैं। देखिए पहले हमें फ्लावर को ज्वाइन करना होता है, हम ये 3 फ्लावर लेते हैं, आप किसी तरह के ले सकते हैं, 2 येलो ले सकते हैं और ये दूसरे कलर का एक ले सकते हैं, या एज़ यू विश आप जिस तरह से भी इसको करें, हम इसको ले लेते हैं। ये 2 फ्लावर चाहिए, जिस तरह से हम इसको लेते हैं और इसको बांध देते हैं, यहाँ हमें इसको बांधना होता है जिस तरह से फ्लावर लेते हैं, और हम इसको धागे से बांध देते हैं, हमें इसको यहाँ बांधना होता है, टाइट करके हमें इसको बांधना होता है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको बांध देना होता है। अब ये एक जगह हो गए हैं, अब हमें इसको इजीली टहनी पर लगा सकते हैं। अगर अलग अलग हम इसको लगाते हैं तो हमें मुश्किल आता और शेप भी इसका ठीक नहीं आ पाता, अब हमारा ये शेप बिल्कुल ठीक आ पाएगा। अब हम इसको टहनी पर लगाते हैं, देखिए लेते हैं और टहनी लेते हैं, देखिए किसी भी टहनी पर हम लगा लेते हैं। स्टार्टिंग हमें जो करनी होती है वो ऊपर से करनी होती है। इस तरह से हमें हमारे जो ये धागे हैं हमें 2 पार्ट में लेने होते हैं, आधे हमें इधर कर लेने होते हैं और आधे इधर, 6 धागे हमारे, 3-3 धागे हमने किए हैं। उसके बाद हम ये इसको इस तरह से रख देते हैं, टहनी के बीचों बीच हमें इसको रखना होता है और इसको हम इसका यहाँ पे हम गिरा बना देते हैं। गिरा को हमें टाइट बांधना होता है, लूज़ हमें गिरा को नहीं बांधना होता, टाइट ही बांधना होता है ताकि ये खुलने ना पाए। अब हमें इसको सीज़र की हेल्प से ये एक्स्ट्रा जो धागा है इसको कट कर देना होता है। देखिए हमने ये फ्लावर लगा दिए, अब 1 बाय 1 हमें सभी फ्लावर इसी तरह से लगाने हैं जो स्टेप हमने आपको बताए हैं। ये देखिए अगर हम एक एक का एक टहनी पे एक फ्लावर लगाएंगे तो इस टाइप का लगेगा, हमने ये एक टहनी पर
तीन फ्लोवर लगाए हैं, दो फ्लोवर भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रेडी कर सकते हैं। अब हमारा अभी हमारा ये इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट करने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी ये साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ये सभी टहनियाँ हमने कवर कर ली है। अभी ये टहनियाँ हमारी कवर करने से रह रही हैं।